पावन बनाते हैं। भगवान वाच के मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। तो ज्ञान सागर को याद करो, ज्ञान से ही गति होती है, ज्ञान से ही सदगति होती है। गति माना मुक्ति। बाप से वर्षा मिलता है शांति धाम सुख धाम का। जो पतित हैं वो तो वापस नहीं जा सकते। जब तक आत्मा पवित्र न बने, पावन न बने, तब तक शांति धाम में नहीं जा सकती, माना शांति धाम का अनुभव नहीं कर सकती। और शांति धाम का ही अनुभव नहीं करेगी तो सुख धाम का भी अनुभव नहीं करेगी। पहले चाहिए शांति, बाद में चाहिए सुख। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा की पहले इच्छा क्या है? आत्मा इस दुनिया में दुखी है, अशांत है। कोई को पूरे बदन में बुखार हो रहा है तो क्या चाहेगा? रसगुल्ला खाना चाहेगा? नहीं खाना चाहेगा। उसे रसगुल्ला का टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारे बदन में अशांति है। वो पहले चाहेगा शांति, और जब शांति मिल जाएगी, बुखार उतर जाएगा, तो चाहेगा कि हमें अच्छा अच्छा खाने के लिए भी मिले, तो इंद्रियों का सुख भी चाहेगा। तो पहली शर्त है आत्मा चाहती है शांति मिले। दुख की दुनिया में अशांत होती है आत्मा। वो शांति चाहती है, लेकिन शांति से ही पूरी इच्छा पूर्ति नहीं होती। शांति के बाद हर आत्मा की ये भी इच्छा है कि वो इंद्रियों से सुख भी भोगे, दुख न भोगे। तो पहले शांति धाम ले जाते हैं बाप, शांति का अनुभव कराते हैं, और बाद में सुख धाम का अनुभव कराते हैं। हर आत्मा को पहले शांति धाम ले जाते हैं या शांति का अनुभव कराते हैं, और बाद में सुख में भेज देते हैं। बाप तो सुख धाम में भेजते हैं, लेकिन फिर आत्मा दुखी क्यों हो जाती है? हर आत्मा के अंदर अपने अपने पार्ट्स भरे हुए हैं। जो अनादि पार्ट है वो आत्मा बजाती है। कोई में लंबे समय का सुख भोगने का पार्ट भरा हुआ है, और कोई में थोड़े समय का सुख भोगने का पार्ट भरा हुआ है। कोई सुख भोगता है तो इतनी तीव्रता से सुख भोगता है कि वो जल्दी ही नीचे गिर जाती है आत्मा। जैसे देवताएं हैं सतयुग त्रेता में जन्म लेते हैं, जन्म लेते नीचे तो सब उतरते हैं। सतयुग में भी दो कला नीचे उतरते हैं, त्रेता में भी छह कला नीचे उतरते हैं, त्रेता के अंत में आठ कलाएं कम हो जाती हैं। लेकिन उनमें भी कोई कोई आत्मा ऐसी है कि त्रेता के अंत तक आते आते पूरी ही नीचे गिर जाती है, और कोई कोई आत्मा है पूरी नीचे नहीं गिरती। तो इसका क्या कारण हुआ? जो पूरी नीचे गिरती है, पूरी पतित बनती है, उसमें ऊपर से आने परम धाम से आने वाली आत्मा प्रवेश करती है। कौन? अब्राहिम, जो द्वापर के आदि में आता है, पहला धर्म पिता, विधर्मी, विदेशी,
वो प्रवेश करता है, क्योंकि उस आत्मा को गर्भ में प्रवेश करके दुख नहीं मिल सकता। वो आत्मा बाप के घर से आती है, जो बाप के घर से आती है वो तो सात्विक आत्मा है, सतो प्रधान आत्मा उस समय के हिसाब से। और वो सतो प्रधान आत्मा जब प्रवेश करेगी तो गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि द्वापर युग में जो गर्भ है वो दुख का होता है, सुख का गर्भ नहीं होता। जैसे दुख धाम में आ जाती है, गर्भ में आत्मा अपने को बंधन में महसूस करती है, त्राहे त्राहे करती है बाहर निकलने के लिए, तो जो आत्मा पहले पहले परम धाम से आएगी वो दुख नहीं भोग सकती। फिर प्रवेश किस में करेगी? उसे प्रवेश करने के लिए पतित तन चाहिए, तो उस समय जो आत्मा सबसे पतित होती है उसमें आकर के इब्राहिम प्रवेश करता है। फिर नंबर वार जो पतित आत्माएं होती हैं उनमें इब्राहिम के फॉलोअर्स पीछे पीछे आने वाली आत्माएं प्रवेश करती रहती हैं और इस्लाम धर्म की स्थापना कर देती है। उनके मुकाबले क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं उनके पतित बनने की तीव्रता कम होती और इस्लाम धर्म की आत्माओं के मुकाबले वो 500 वर्ष तक ज्यादा लंबे समय तक पावन स्टेज में रहती है और फिर पतित बनती है। ऐसे ही बौद्ध धर्म की आत्माएं क्रिश्चियंस के मुकाबले पहले नीचे गिरती है, उनमें पावर जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों? कोई धर्म की आत्माएं लंबे समय तक पावर रोक करके रखती है, आत्मा की पावर उनकी घटती नहीं है, और कोई आत्माएं जल्दी ही उनकी पावर खलास हो जाती है। कारण क्या हुआ? इस्लाम धर्म की जो आत्माएं हैं उनके जन्म जन्मांतर की आदत है कि वो आत्माएं तीव्र गति से नीचे उतरती हैं। कारण व्यभिचार, सबसे जास्ती व्यभिचार में जाने वाली आत्मा है इस्लाम धर्म। उनके मुकाबले कम व्यभिचारी बनते हैं बौद्ध धर्म की आत्मा। ऐसे तो बौद्ध धर्म में पहले पहले संन्यास था, बहुत पवित्र रहते थे, लेकिन थोड़े ही समय के बाद बौद्धियों में जो वो बनाए जाते थे बुद्ध विहार, उन बुद्ध विहारों में स्त्री पुरुषों को साथ साथ रहने की अनुमति दे दी गई, और जब स्त्री पुरुष साथ साथ रहे तो उनमें व्यभिचार फैल गया। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई कोई ऐसे बुद्धू ब्राह्मण हैं जो कहते हैं हम तो आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, देवांध को क्यों आता है कि हम स्त्री हैं हम पुरुष हैं, जब है ही आत्मा आत्मा भाई भाई तो हम साथ साथ नहीं रह सकते, एक ही घर में नहीं रह सकते। अरे
आत्माओं को संघ का रंग नहीं लगता है क्या? आत्माओं को ही तो संघ का रंग लगता है। ये परमात्मा को लगता है? संघ का रंग किसको लगता है? संघ का रंग तो आत्माओं को लगता है। तो जब मालूम है कि आत्माओं को संघ का रंग लगता है तो संघ के रंग से बचाना चाहिए ना, साथ साथ रखने की तो बात ही नहीं। स्त्रियों का अलग प्रबंध होना चाहिए, पुरुषों का अलग प्रबंध होना चाहिए। हाँ, एक फैमिली है तो बात दूसरी है। तो बौद्ध धर्म में ये बुद्धूपना आ गया, उन्होंने साथ साथ रहना शुरू कर दिया तो व्यभिचार तेजी से फैला और बौद्ध धर्म जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, संसार में फैल रहा था, उनका पराभव हो गया, पतन हो गया। बौद्ध धर्म जितना पुराना है विदेशियों के बीच में, उसके मुकाबले उसकी राजाई बहुत कम चलती है। सिर्फ आरंभ के 500 साल तक उनकी राजाई कायम रहती है और बाद में राजाई नष्ट हो जाती है। उसके बाद आते हैं क्रिश्चियन। क्रिश्चियंस जो है उनमें काम विकार उतना जास्ती नहीं होता, क्रिश्चियंस होते हैं ठंडे देश के और इस्लामी होते हैं गर्म देश के। अरब देश गर्म देश है, जहां गर्मी जास्ती होती है तो वहां इंद्रियों में भी गर्मी आती है। इंद्रियां अपने को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रहती और वहां पानी भी कम होता है। पानी तो ठंडा करने वाली चीज है, तो पानी न होने की वजह से वो और भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे जैसे कि ज्ञान जल है, हमको बाबा ज्ञान जल में डुबो करके रखता है, तो ज्ञान जल में डूबे हुए होने के कारण हमारी इंद्रियों में ठंडक आती है, शांति महसूस होती है। बाबा की याद में रहने से, जितना हम याद में रहने की प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनती है और ज्ञान का मनन चिंतन मंथन भी जास्ती चलता है। जास्ती ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है तो इंद्रियां जो है वो शांत रहती है, अशांति से मुक्ति मिलती है। क्रिश्चियंस वो भी ठंडे देश के, ठंडे देश के होने के कारण मुसलमानों के मुकाबले, इस्लामियों के मुकाबले उनमें काम विकार तो उतना नहीं पड़ता। हालांकि व्यभिचारी तो होते हैं लेकिन क्रोध बहुत होता है और वो क्रोध भी ठंडा क्रोध, बाहर से पता नहीं लगता कि ये क्रोध कर रहे हैं। बाहर से बड़े शांत स्वभाव होकर के दिखाई पड़ेंगे और अंदर से उनको क्रोध भरा हुआ है, तो वो क्रोध विकार जो है वो भी उनको नीचे लाता है। लेकिन बाबा कहते हैं क्रोध ही को पतित नहीं कहेंगे और कामी को पतित कहेंगे। क्रोधी जो है उसकी आंखों में क्रोध आता है, मुख में क्रोध आता है, लाल लाल हो जाता है, आंखें लाल लाल हो जाएंगी। और जो कामी है उसकी शेष इंद्रियों में तेज नहीं आता, गर्मी नहीं आती, उसकी व्यस्त इंद्रियों में गर्मी आती है। तो ये जो शेष इंद्रियां हैं
वो कम पतन करने वाली है, और जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं वो शक्ति को तेजी से छीन करती है। इसलिए इस्लामियों के मुकाबले, बौद्धियों के मुकाबले जो क्रिश्चियंस हैं वो कम पतित बनते हैं। बाबा भी क्रिश्चियंस और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं, मुरलियों में क्रिश्चियन की राशि, क्राइस्ट की राशि और कृष्ण की राशि एक बताई, उसका प्रूफ भी मिलता है। सीढ़ी के चित्र में राम वाली आत्मा ज्यादा नीचे गिरती है, कांटों की सैया पर दिखाई गई है सीढ़ी में, और कृष्ण वाली आत्मा एकदम गिरी हुई नहीं है, खड़ी हुई है, माना पुरुषार्थ में खड़े होकर के रहती, फिर भी जितना भी उन्होंने अपने शरीर से पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ चैन की वंशी बजाते हुए किया। कोई बहुत तकलीफ पुरुषार्थ में अनुभव नहीं होती, जबकि राम वाली आत्मा ज्यादा ही नीचे गिरती है। तो जैसे राम और कृष्ण में भेद है, ऐसे ही इस्लामी और क्रिश्चियंस में भेद समान जैसा है। वो बनते हैं काले लंगूर काम विकार के कारण, और वो बनते हैं लाल मुंह वाले बंदर क्रोध विकार के कारण। पतन ज्यादा किसका होता है? जो कामी है उनका जास्ती पतन होता है, और क्रोधी का पतन कम होता है। इसलिए क्रिश्चियंस जो है वो कलयुग के अंत तक भी उनकी जास्ती आबादी नहीं हुई, और इस्लामियों की आबादी सारी दुनिया में फैल गई। अभी अंत में आकर के 100-200 वर्ष में क्रिश्चियंस जास्ती बढ़ गए, क्योंकि वो सारी दुनिया में फैले। क्रिश्चियंस का राज्य जो है, कहते हैं क्रिश्चियंस के राज्य में एक टाइम ऐसा था कि सूर्य अस्त ही नहीं होता था, इतना दुनिया में राज्य लास्ट के 100-200 वर्षों में फैल जाता है। तो जो ठंडे प्रदेशों से उनको बाहर निकल के आना पड़ता है, कोई अफ्रीका की साइड में जाते हैं, कोई भारत में आते हैं। भारत की गर्मी में और यूरोप की गर्मी में तो बहुत अंतर है, अफ्रीका में तो और ही जास्ती गर्मी पड़ती है, तो धीरे धीरे उनमें अंतर आ जाता है। वो अंतर जो है वो उनमें भी विचार को फैलाता है। आज क्रिश्चियंस की संख्या दुनिया में ज्यादा हो गई, पहले मुसलमानों की संख्या जास्ती थी। तो कुछ आत्माएं होती हैं कम पतन वाली, धीरे धीरे पतित होती है, और कुछ आत्माएं बड़ी तेजी से पतित होती है। पतन होने का, पतित होने का कारण क्या बताया? कोई धीमी धीमी गति से पतन होती है, कोई तेजी से पतन होती है, उसका कारण क्या हुआ? काम विकार। काम विकार नहीं, व्यभिचार। अनेकों में इंद्रियां, अनेकों में बुद्धि आसक्त होना, अटैचमेंट होना, तो आत्मा का पतन जास्ती होता है। इसलिए इब्राहिम जैसी जो आत्माएं आती है वो उन पतित हुई आत्माओं में पहले प्रवेश कर जाती है।
उसके बाद दूसरे नंबर में पतित बनते हैं बौद्ध, फिर तीसरे नंबर में पतित बनते हैं क्राइस्ट क्रिश्चियंस। उससे भी ज्यादा धीमी गति से पतन बनने की जो पतित होने की जो गति है वो है सन्यासियों की। सन्यासी जो ओरिजिनल पवित्रता धारण नहीं करते, ओरिजिनल पवित्रता तो है ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्योंकि बाबा ने बताया गर्गस्थ में रह करके पवित्र बनना, यह ओरिजिनल पवित्रता। और गर्गस्थ को छोड़ करके बाहर जंगल में जाकर के पवित्र बनना, ये तो मजबूरी की पवित्रता हुई। जैसे कोई आदमी को जेल में डाल दिया जाए, 10 साल जेल में रहे और जेल से निकलने के बाद कहे हमने 10 साल पवित्रता का पालन किया, तो वो उसकी मजबूरी हुई या उसने वास्तव में पवित्रता का पालन किया, वो तो मजबूरी है। तो ऐसे ही सन्यासियों की कायरता वाली पवित्रता है, वो जब जब भी ज्यादा तमोप्रधान बनते हैं उसका कारण यह होता है कि वो शहरों में घुस पड़ते हैं और अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब तक जंगलों में रहे तब तक फिर भी कंट्रोल रहे, और जैसे ही शहरों में घुसते हैं जास्ती पतित तमोप्रधान बन पड़ते हैं। उसके बाद जो धीमी गति से पतित बनती है वो आत्माएं हैं मुस्लिम धर्म की, और मध्य कलयुग में आता है सिख धर्म। उनमें भी पवित्रता की प्योरिटी की पावर जास्ती इसलिए होती है कि उनमें एक संस्कार होता है एक नारी सदा ब्रह्मचारी। एक नारी के साथ वो अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं और रहते भी है। अभी कलयुग के अंत में तो सारी दुनिया में संघ का रंग विदेशियों का ज्यादा बढ़ गया है, तो सिख भी कोई कोई ऐसे हो गए हैं जो आतंकवादी बन पड़े हैं, और वो आतंकवादी ग्रुप जो है वो अलगाववाद की मांग करने लग पड़ता है, भारतवासियों के भी विरोधी हो जाता है। नहीं तो सिखों में यूनिटी जास्ती रही, क्योंकि उनमें भारतवासियों जैसी प्योरिटी रही, देवताओं जैसी प्योरिटी, लेकिन मुसलमानों का संग ज्यादा रहा, क्योंकि सिख धर्म का फैलाव होता है पंजाब की साइड में, सिंध प्रांत में, जहां पंजाब में मुसलमानों के आक्रमण हमेशा होते रहे, क्रिश्चियंस के आक्रमण होते रहे, तो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के संघ के रंग में वो आत्मा जास्ती आई। संघ का रंग जास्ती लगता है तो कुछ न कुछ तो असर पड़ता ही है। उसके बाद आते हैं आर्य समाजी। आर्य समाजी जो आत्माएं हैं उनकी खासियत यह है कि वो द्वापर युग के आदि से ही दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे। सबसे जास्ती गिरी हुई आत्मा है। इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम धर्म की आत्माओं के प्रभाव में आ गए, क्रिश्चियन धर्म आया तो क्रिश्चियंस के प्रभाव में आ गए, मुस्लिम धर्म आया तो मुसलमानों के प्रभाव में आ गए। माना वो सबके प्रभाव में आते रहते हैं। ज्यादा प्रभाव में आने के कारण वो आत्माएं भारतीय होते हुए भी विदेशियों से बदतर हो जाती है। किसी धर्म पर उनकी आस्था नहीं रहती। जब किसी धर्म पर आस्था ही नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा, निश्चय नहीं बैठेगा, निश्चय उखड़ता रहेगा, तो रिलीजन इज माइट का आ जाता है। धर्म में ही तो ताकत होती है, और जो अपने धर्म को बार बार छोड़ता रहे तो वो आत्मा अनिश्चय और अविश्वास के कारण कमजोर हो जाती है।
तो सबसे जास्ती कमजोरी आती है आर्य समाजियों में, और वो आर्य समाज कलयुग के अंत में इस संसार में टच होता है, जब से महर्षि दयानंद आए। इतने बेविचारी बनते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट तैयार होती है वो गवर्नमेंट में कोई ताकत नहीं रहती। आज की जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेसियों की गवर्नमेंट रही ना, वो कांग्रेसी जो है वो जास्ती ज्यादातर आर्य समाजियों से प्रभावित रहे। क्या प्रभावित रहे कि हम किसी धर्म की अपेक्षा नहीं करते, धर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो ज्यादा जनसंख्या चाहिए, वोट चाहिए। वो वोट चाहे मुसलमानों के हो, चाहे क्रिश्चियंस के हो, चाहे हिंदुओं के हो, हमें तो ज्यादा से ज्यादा संख्या के ऊपर अपना राज्य करना है जो हमारे फॉलोअर्स बने, तो प्रजापरस्त हो गए। उन्हें राजा क्वालिटी की आत्माएं पसंद नहीं, उनको प्रजापरस्त प्रजा जैसी आत्माएं, कमजोर आत्माएं चाहिए, तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। जब कलयुग अंत होता है तो भारत से शुरू होकर के सारी दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य छा जाता है। अभी एक अभी तक नेपाल देश ऐसा था जहां राजाओं का राज्य नाम मात्र को चल रहा था, वहां भी राजा ही खलास हो गई है। अभी सारी दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, और प्रजा में तो कोई ताकत नहीं होती, ताकत राजा में होती है या प्रजा में होती है? राजाओं में ताकत होती है। क्यों ताकत होती है राजाओं में, प्रजा में ताकत क्यों नहीं होती है? प्रजा हुजूम की हुजूम, ढेर की ढेर, और राजा, राजा एक होता है। और राजाओं को राजा बनाया किसने? राजाओं को राजा बनने की सिफ्त किसने दी? हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल करने की, अपनी इंद्रियों पर राजा ही करेगा तो बड़ा राजा बनेगा। तो ये सिफ्त है, ये पढ़ाई किसने सिखाई? शिव बाबा ने सिखाई। अब शिव बाबा तो सर्वशक्तिवान, उससे ज्यादा शक्तिवान तो कोई धर्म पिता होता ही नहीं। वो मनुष्य गुरु, मनुष्य धर्म पिता जो होते हैं वो तो शक्तिहीन होते हैं। वो इतने शक्तिहीन होते हैं खुद भी इस सृष्टि में आकर के नीचे गिरते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते हैं, नीचे गिराने के निमित्त बनते हैं। थोड़े समय के लिए जब वो आत्माएं ऊपर से सत्व प्रधान आती है तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जगह जगह पर थोड़ी मकान की मरम्मत कर देती है, रिपेयरिंग। अब वो रिपेयरिंग कितनी देर चलेगी? रिपेयरिंग जो है वो ज्यादा समय नहीं चलती। कोई भी धर्म, मनुष्य गुरु, धर्म पिता है इस सृष्टि को नया नहीं बना सकते। सारी सृष्टि को पूरे के पूरे तरीके से ढांचा बदल करके नया बनाने की ताकत एक परमपिता परमात्मा की है। तो वो आकर के राजा ही स्थापन करते हैं। क्या शिव बाबा का कहना है कि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। ये कोई कायदा कानून नहीं है कि प्रजा के ऊपर प्रजा राज्य करे, राजाओं का राज्य चाहिए। और आर्य समाजियों ने क्या कर दिया? जो आर्य समाजी आए वो आधे नास्तिक होते हैं। वो भगवान को तो मानते हैं, निराकार को तो मानते हैं, लेकिन साकार देवताओं को मानते ही नहीं। अब जब साकार ही नहीं होगा, अगर परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के साकार नहीं बनेगा तो देवताएं कैसे रचेगा? तो देवताएं जब नहीं रचे जाएंगे
तो देव आत्माओं की तो राजा ही होती है, देव आत्माओं में राजा ही चलती है, चाहे सत्युग हो चाहे द्वापर युग हो, वो त्रेता हो, उनकी राजा ही चलती है। यहां तक कि कलयुग के अंत में भी आकर के नेपाल में राजा का शासन रहता है, फिर नीचे तो सबको गिरना है, वो नेपाल भी नीचे गिरता है, क्योंकि संघ का रंग जो है वो माया किसी को छोड़ती नहीं है। जो आदि में पतित बनने वाली आत्माएं थी वो तो नीचे गिरती ही रहती है, क्यों? क्योंकि जो आत्माएं जल्दी जल्दी पतित बनती है सृष्टि पर आकर के, उनमें ऊपर से आने वाली सोच जल्दी जल्दी प्रवेश करती है, तैतीस करोड़ देवताएं हैं, 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में सोल प्रवेश करती है ऊपर से आने वाली परमधाम से, और वो सोल प्रवेश करके उनको कमजोर करती है, खुद राजा ही भोगती है और जिसमें प्रवेश करती है उसको आधीन बना के रखती है, उसमें संकरण भी लगता है। इसलिए बाबा ने बोला स्वधर्म में धर्म से अपने धर्म में रहना ज्यादा अच्छा है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना अच्छा नहीं। तो जिनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं वो फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उनके अधीन होकर के चलती है। तो जो अधीन होकर के चलता है वो उसमें कमजोरी ज्यादा आती है, जो स्वाधीन होता है उसमें कमजोरी नहीं रहती, अधीनता के कारण कमजोरी आती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आत्मा के अंदर। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माने हीन भावना, वो हीन भावना आत्मा को नीचे गिराती। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है तो उमंग उत्साह ज्यादा रहता है, जैसे राजा का बच्चा है तो कहे है मैं राजकुमार हूं, तो वो उमंग उत्साह नशा रहता है। तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहां से आता है? सुप्रीम कौन है इस संसार में? सुप्रीम सोल कौन है? जो सुप्रीम सोल है वहीं से सुपरमेसी शुरू होती है, और जो लास्ट में आने वाला धर्म पिता है वहां से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू होता है। तो जो आत्माएं मनुष्य गुरुओं के स्वभाव संस्कार के नजदीक आती है, उनसे प्रभावित हो जाती है, उनमें आता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं डायरेक्ट, उनमें सुपरमेसी रहती है। सुपरमेसी रहने के कारण वो जन्म वाई जन्म भले टकराते हैं विधर्मियों से, विदेशियों से, लेकिन टकराते हुए भी टक्कर लेते 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 जाके आखिरी जन्म में नीचे गिरते हैं, क्योंकि माया भी तो सर्वशक्तिवान है, जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। तो सर्वशक्तिवान माया किसी को छोड़ती नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म की आत्मा हो, चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन वंशी हो, वो वार हरेक के ऊपर करती है। कोई आत्मा ऐसी है जो वार को टक्कर लेती रहती है, मुकाबला करती रहती है अंत तक, तो वो है सूर्यवंशी आत्मा। उनमें फिर दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती, किनमें? जो सूर्यवंशी है, और वो प्रभावित भी नहीं होती दूसरे धर्म वालों से। चंद्रवंशी दूसरे धर्म वालों से प्रभावित भी हो जाते हैं, प्रभावित होकर के उनके अंडर में भी चलने लग पड़ते हैं। तो वो कमजोरी आ जाती है। सूर्यवंशियों में सबसे जास्ती कमजोरी क्यों आती है?
सूर्य गर्म है या ठंडा है? जिसकी पैदाइश गर्मी से होगी उसमें काम विकार जास्ती होगा, या जिसकी पैदाइश ठंडा से होगी उसमें काम विकार जास्ती होगा? गर्मी से। जैसे इस्लामी गर्म प्रदेश के होते हैं, गर्म देश में उनका जन्म होता है तो उनमें काम विकार जास्ती होता है। ऐसे ही सूर्यवंशी जो है वो कलयुग के अंत में आकर के काले मोहड़े वाले लंगूर जैसे महाकामी बनते हैं। और चंद्रवंशी आत्मा है, वो चंद्रमा है ना ठंडक देने वाला, तो उसके रहवरी में रहने के कारण उनमें काम विकार उतना नहीं पनपता, लेकिन अंदर का क्रोध बहुत होता है। इसलिए कृष्ण के लिए क्या दिखाते हैं, कृष्ण ने महावारी महाभारत गृह युद्ध कराए दिया, सब कौरवों का यादवों का नाश हो गया। कृष्ण कौन से कुल के थे? कौरव कुल के नहीं थे, पांडव कुल के नहीं थे, यादव कुल के थे। तो अपने सारे कुल का भी ध्वंस करा दिया, इतना क्रोध आया। जैसे घर में कोई आदमी ज्यादा क्रोधी होता है तो अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगता है, यही नहीं देखता कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इतने क्रोध में आ जाते हैं। और उसमें भी जो ठंडा क्रोध होता है वो तो बहुत ही खतरनाक होता है। शंकर जी का क्रोध गर्म क्रोध है, आया और निकल गया, वो खतरनाक नहीं है। और जो क्रोध ठंडा होता है, अंदर ही अंदर क्रोध आ गया समा गया, बाहर से हंसते रहे, हाँ, वो बहुत खतरनाक होता है। वो अंदर अंदर विकराल रूप धारण करता रहता है, जैसे अंदर से चिंगारी सुलगती रहती है, और जैसे ही मौका देखता है वैसे ही फट पड़ता है। तो दो प्रकार की प्रकृति है, एक ठंडी प्रकृति एक गर्म प्रकृति। परमात्मा शिव आते हैं जिसमें पहले पहले प्रवेश करते हैं वो होता है ज्ञान सूर्य। गीता में भी लिखा है कि भगवान ने ज्ञान दिया तो सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो सूर्य से जो बच्चे जन्म लेते हैं वो तो हुए सूर्यवंशी। और सूर्य के बाद चंद्रमा सूर्य से डायरेक्ट जन्म नहीं लेता, क्या चंद्रमा सूर्य से निकला हुआ उपग्रह है या पृथ्वी से निकला हुआ उपग्रह है? नहीं, चंद्रमा डायरेक्ट जन्म नहीं लेता, पृथ्वी से। चंद्रमा जो है वो डायरेक्ट सूर्य से जन्म नहीं लेता। यज्ञ के आदि में भी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उन्होंने डायरेक्ट प्रजापिता वाली सोल से ज्ञान नहीं लिया, किससे लिया? माता से। माता से लिया। तो ऐसे ही ये जो बड़ी दुनिया है उसमें भी पृथ्वी का एक हिस्सा अलग होता है और वो चंद्रमा बनता है, उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। जो जिस ग्रह का उपग्रह होता है वो उसी के आसपास घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है तो किसके आसपास घूमता है, चक्कर काटता है? पृथ्वी के, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। अब यहां बाबा ने पृथ्वी बताया है कन्याओं माताओं को, क्या माताएं क्या है? धरणी, धारणा शक्ति माताओं में जास्ती होती है, पवित्रता की धारणा भी माताओं में जास्ती होती है।
पुरुषों में प्योरिटी की पावर उतनी नहीं होती जितनी माताओं में होती। तो धारणा शक्ति जास्ती होने के कारण उसके आसपास जो घूमने वाला चंद्रमा है उसमें भी धारणा जास्ती होती है। शीतल स्वभाव का होता है, स्वभाव शीतल है लेकिन रोशनी कहां से मिलती है? चाहे पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे कोई ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, उनको रोशनी कहां से मिलती है? सूर्य से रोशनी मिलती है। यह है ज्ञान की रोशनी। तो जो ज्ञान की रोशनी है जिन आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा मिलती है, मिलती क्या है, लेती है, ऐसे समझिए। जो आत्मा है परमात्मा के आने पर इस सृष्टि पर ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के ज्ञान को धारण करती है वो आत्मा बहुत पावरफुल बन जाती है। पावरफुल माने बड़ी आत्मा, जैसे कोई बैटरी होती है छोटी होती है, कोई बैटरी बड़ी होती है, तो जो बड़ा बैटरा होगा उसमें ताकत ज्यादा ताकत होगी। ऐसे ही जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से कनेक्टेड होते हैं, संबंध जोड़ते हैं, वो ज्ञान सूर्य के बच्चे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ज्यादा पावरफुल होने के कारण वो ज्ञान को भी ज्यादा ग्रहण करते हैं। होते तो नंबर वन है लेकिन एक जैसा ज्ञान धारण करने वाले तो नहीं होते हैं, फिर भी और धर्मों के मुकाबले उनमें जास्ती पावर रहती है। वो पावर कहां से आती है? ईश्वरीय ज्ञान से। पहली पहचान उनके अंदर बैठती है। पहचान होगी तभी तो याद करेंगे, पहचान नहीं होगी तो याद कैसे करेंगे? तो जितना जितना गहरा ज्ञान उतनी जास्ती पहचान, और जितना जितना जो जिसको जास्ती पहचानता है उतना उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनमें इतनी पावर भर जाती है कि वो सतयुग के आदि से लेकर के नीचे तो गिरते हैं लेकिन उनकी गिरने की गति धीमी रहती है। द्वापर में भी धीमी गति रहती है, कलयुग में भी धीमी गति रहती है। बस कलयुग के अंत में आकर के माया उनके ऊपर हावी हो जाती है, वो भी डाउन प्लेन अनुसार कल्याणकारी, क्योंकि जो नीचे नहीं गिरेगा वो ऊपर कैसे उठेगा? जो तमो प्रधान नहीं बनेगा तो सतो प्रधान कैसे बनेगा? जितना जितना आत्मा नीचे गिरती है उतनी ऊंची ऊंची उठती है। मान लो कोई हाई जंप लगाता है तो हाई जंप जितनी ऊंची लगाएगा तो उतना नीचे आएगा कि नहीं? तो उनमें ऊंचे जाने की भी ताकत बहुत है और नीचे आने की भी ताकत बहुत है। ऊंचे जाते हैं एक सेकंड में क्योंकि ईश्वरीय पावर उनको डायरेक्ट मिलती है। कोई मनुष्य गुरुओं की पावर से नहीं जाते हैं ऊंचे। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है ना, लेकिन कौन से ब्रह्मा की बात है? पहले प्रजापिता ब्रह्मा या पहले और जो ब्रह्मा है वो एक है मुकर्रर जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के लिए पहले गायन ये साबित होता है कि एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। कृष्ण वाली सोल भी, राधा कृष्ण वाली सोल भी विष्णु बनती है, विष्णु स्वरूप प्रैक्टिकल में, लेकिन संगम युग में नहीं बनती। कब बनती है? जब सतयुग होगा तब बनती है। वो लक्ष्मी नारायण विष्णु स्वरूप बनेंगे वहां भी सतयुग में, जो राजाएं होते हैं उनके राज तख्त के पीछे विष्णु का चित्र होता है जिससे साबित होता है ये सब विष्णु की औलाद की डायनेस्टी है। चाहे पहला नारायण हो, चाहे दूसरा नारायण हो, चाहे सतयुग का तीसरा या चौथा नारायण हो, उन सब की वंशावली कहां से शुरू होती है? विष्णु की राज्य से।
और पहला पहला विष्णु का स्वरूप कौन बनता है? राम वाली आत्मा, राम बाप जिसे कहा जाता है वो आत्मा, और राम को कहा भी जाता है सूर्यवंशी। राम को क्या कहते हैं? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी माने सबसे ऊंची हस्ती। जैसी ये दुनिया है, ये दुनिया किसका लोक कही जाती है? शुक्र ग्रह का लोक कही जाती है, यह बृहस्पति का लोक कही जाती है, यह चंद्रमा का लोक कही जाती है, ये नौ ग्रह है ना दुनिया में, तो कौन सा लोक कहा जाता है? बृहस्पति लोक नहीं कहा जाता, भूलोक। भू माना पृथ्वी लोक, पृथ्वी तो पृथ्वी का जो दायरा है वो पृथ्वी तक ही उसका प्रभाव रहेगा। सौर लोक, सूर्य, ये सारी सृष्टि में जो भी देखने में आते हैं, चांद सितारे वगैरह सब, उसको कौन सा लोक कहा जाता है? सौर लोक। सौर लोक माने सूर्य का लोक। माना एक ही ऐसी हस्ती है जिसका सारी दुनिया के ऊपर प्रभाव होता है, विष्णु का प्रभाव देवताओं के ऊपर ही रहता है। राक्षस विष्णु के प्रभाव को मानने वाले नहीं होते। और वो देवता कौन है जिसको देवताएं भी मानते हैं और राक्षस भी मानते हैं? वो शंकर। शंकर ही एक ऐसा देवता है जो इस सारी सृष्टि में सबके द्वारा मान्य है, चाहे गलीज आत्माएं हो, राक्षसी स्वभाव की हो, और चाहे दैवी स्वभाव की हो, सब उसको अपना बाप मानते हैं। तो वो हुआ ऐसी सोल, और उनके फॉलोअर्स भी ऐसी सोल हुए जो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। और धर्म की आत्माएं तीव्रता से नीचे उतरती, और जितनी ज्यादा तीव्रता से नीचे उतरने वाली होंगी, यानी बैटरी उनकी जल्दी खारिज होती है। कोई बैटरी ऐसी होती है जल्दी डिस्चार्ज होती है, और कोई कोई बैटरी होती है हाँ धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। तो जो बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होती है तो उनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं जल्दी जल्दी प्रवेश करती है। देवताएं तो सिर्फ 33 करोड़ है, और ऊपर से आने वाली आत्माएं कितनी है? 500-700 करोड़। क्या 21 गुनी? 100 करोड़ में 33 करोड़ का भाग दिया जाए तो कितना गुना हुआ? ना 3 गुना। 100 करोड़ माना 33 33 33, 3 बार 33 33 33 को जोड़े तो जाएगा 100 करोड़ है। अब वो 100 करोड़ तो नहीं है, वो तो है 700 करोड़। तो 3 को 700 गुणा कर दिया जाए तो आता 21। माने कोई कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जिनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश 21 बार भी करती है, तो कितनी व्यभिचारी हो गई। उनके व्यभिचार का तो पारावार ही नहीं रहा। और जिनमें कलयुग के अंत तक दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश ही नहीं करती, सिर्फ अंत में जो देवतावर्ण की आत्मा है वो ही प्रवेश करती है। जैसे राम वाली आत्मा में कौन प्रवेश करता है? चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा प्रवेश करते हैं, वो तो देवता वाली आत्मा है।
तो पतन की गति जितनी धीमी होती है उतनी कम दर्भ की आत्माएं प्रवेश करेंगी, और पतन की गति जितनी ज्यादा तीव्र होती है उतने दूसरे धर्म की आत्माएं जास्ती प्रवेश करती है। जास्ती प्रवेश करेंगी तो जास्ती व्यभिचारी बनेंगी, जास्ती व्यभिचारी बनेंगी तो उनकी बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होती है। तो ये पावर मिलती कब है? संगम युग में, जब हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठता है तो वो पावर मिलती है। वो ज्ञान कोई आत्मा में तो जल्दी बैठ जाता है, किसी को थोड़ा सा सुनाओ और खट से ज्ञान को कैच कर लेती है। तो बाबा कहते हैं ये हमारे कुल का है, जो हमारे कुल का होगा थोड़ा सा सुनेगा, थोड़ा सा सुन करके हमारी बात को पकड़ लेगा और मानने लग पड़ेगा, चलने लग पड़ेगा। कोई कोई आत्माएं होती है जल्दी कैच नहीं करती है, जिरहबाजी करती है, संघर्ष करती है, वाद विवाद करती है। इसका मतलब जितना जास्ती वाद विवाद करके कोई हमारी बात को मानता है उतना ही वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला है। जो आर्य समाजी है वो बेसिक नॉलेज में भी शुरू से लेके अंत तक विरोध करते रहे, आर्य समाजियों ने बहुत विरोध किया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आदि से लेकर के अंत तक विरोध करने वाली आत्मा है, वो देवता धर्म को स्वीकार ही नहीं कर पाती क्योंकि वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है, सभी धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है, इसलिए असलियत को नहीं पहचान पाती। जो किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होता वो असलियत को पहचानता है, जल्दी पहचानता है। यहां भी ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ आत्माएं हैं, ये जान लेती है कि ये ज्ञान जो सुना रहे हैं बहुत अच्छा सुनाते हैं, एडवांस वाले जो हैं, ज्ञान तो इनका बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर स्वीकार करने के लिए मना कर देते हैं, हम मानेंगे नहीं। क्यों ऐसे क्यों कहते हैं? जब अच्छा है तो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? हाँ, क्योंकि दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में जास्ती रहे, प्रभाव में रहना माने उनकी प्रजा बन करके रहे, किसी से प्रभावित होना माना प्रजा बन जाना। तो जास्ती प्रभावित होती है आत्मा तो फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने की आदि बन जाती है। प्रभावित एक से होना चाहिए या अनेकों से प्रभावित होना चाहिए? एक से प्रभावित होना चाहिए। अनेकों से प्रभावित होने वाली को तो वैश्या कहा जाता है, वैश्याएं तो बहुत दुखी होती है। तो बाप कहते हैं मैं आकर के शिवालय स्थापन करता हूं, और जितने भी धर्म पिता हैं वो सब इस दुनिया को वैश्यालय बनाते हैं, और दुनिया में रहने वाली जो भी आत्मा है सबको प्रभावित होने वाला बनाते हैं। प्रभावित होने वाला माने प्रजा बनाते हैं, प्रजा बनाते हैं माने आधीन बनाते हैं। क्या आधीन बनावेंगे? और मैं शिव बाबा क्या करते हैं? मैं अधिकारी बनाता हूं, माने राजा बनाता हूं। तो तुम हो मेरे राजा बच्चे। कौन है राजा बच्चे? जो ज्यादा से ज्यादा जन्मों तक आत्मिक स्टेज में टिकने वाले हैं। आत्मा और शरीर, शरीर है माना पांच तत्व का पुतला, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनसे बनता है पांच तत्वों का पुतला शरीर, और इस शरीर को धारण करती है आत्मा। आत्मा जो है वो इस शरीर रूपी चोले में बैठने वाली,
तो शरीर रूपी चोले को चलाने वाली हुई ना, लेकिन अगर आत्मा इंद्रियों के अधीन हो जाए तो चलाने वाली हुई या चलने वाली हुई? चलने वाली हो गई। तो माया जो है वो देहभान के कारण आत्मा को अधीन बनाती है, और शिव बाबा उनको तो देह अपनी है ही नहीं। क्या वो भले इस सृष्टि पर आता है, भले बच्चों में प्रवेश भी करता है, पति से पतित तमो प्रधान व्यक्ति में आता है, पतित तन में आता है, पति तो दुनिया में आता है, वो द्वापर कलयुग में नहीं आता। कब आता है? जब दुनिया एकदम पतित बन जाती है तो आता है। और आकर के ऐसी पतित दुनिया के बीच में रह करके भी एक भी अंश मात्र किसी का संग का रंग नहीं लगता। किसको? सुप्रीम सोल। तो वो उसके अंदर भी संग का रंग नहीं लगता, और जिसमें प्रवेश करता है उन आत्माओं में भी संग का रंग कम लगता है। क्यों? उनमें संग का रंग कम क्यों लगता है? हाँ, क्योंकि संग के रंग से, शिव के संग के रंग से वो आत्माएं कम पतित बनती है। और शिव का संग का रंग जास्ती लगता है, औरों का संग भी लगता है, नीचे गिरती तो है, रामकृष्ण की आत्माएं भी नीचे गिरती है, लेकिन उतनी नीचे नहीं गिरती जितनी दूसरे धर्म की आत्माएं नीचे गिरती है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उनमें स्वभाव संस्कार भरा हुआ है प्रभावित होने का, और इनमें वो स्वभाव संस्कार किसी से प्रभावित होने का नहीं होता, तो कितना भारी घाटा पड़ जाता है। एक एक की बात सुनना और अनेकों की बातें सुनना, एक से सदगति और अनेकों के संग के रंग से दुर्गति, तो समझा जा सकता है कि राम वाली आत्मा ज्यादा पतित बनती है वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा सुखी कौन बनता है? राम वाली आत्मा ज्यादा सुखी बनती है या ये उसकी सहयोगिनी शक्ति सीता वाली आत्मा, माने जो अब्बल लंबा सीता है, पार्वती जिसको कहा जाता है, वो जास्ती सुखी बनती है? है? राम वाली आत्मा जास्ती सुखी बनती है? सुखधाम में जास्ती राम वाली आत्मा रहेगी या पार्वती वाली आत्मा सुखधाम में जास्ती रहेगी? तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, और तीन धाम है। ब्रह्मा दुख धाम की तरफ है, ब्रह्मा दुख धाम की ओर है ना, तो दुख धाम का संग रंग उसको जास्ती लगता है, तो दुख धाम। और विष्णु सुख धाम का मुखिया, और शंकर शांति धाम का मुखिया, शांति धाम की ज्यादा नजदीक है, दुख धाम से बहुत दूर है। और विष्णु सुखधाम वासी। तो कौन सी आत्मा ऐसी है इस सृष्टि में जो 100% इस सृष्टि का सुख भोगती है लेकिन दुख नहीं भोगती? विष्णु तो कोई आदमी नहीं होता है, लेकिन विष्णु के गुण है, स्वभाव संस्कार धारण करने वाली कोई तो आत्मा होगी? शंकर नहीं, जो नई दुनिया स्थापन होगी तो नई दुनिया की स्थापना में स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा? अकेली जगदम्बा खोलेगी या छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी और दूसरी माताएं भी साथ में होंगी? दूसरी माताएं भी साथ में होंगी ना, लेकिन जगदम्बा उतना सुख नहीं भोगती इस सृष्टि का। क्यों? क्योंकि जगत की अम्बा है, देवताओं की भी अम्बा है और राक्षसों की भी अम्बा है,
जैसे ब्रह्मा की रहवरी में यज्ञ के अंदर राक्षसी आत्माएं पली, अब तक भी पल रही है, और चंद्रवंशी आत्माएं भी पली, देवतावन की आत्माएं, और सूर्य के समान पाठ बजाने वाली आत्माएं नहीं पली, वो यज्ञ के आदि में ही चली गई, क्योंकि वो डायरेक्ट सूर्य के बच्चे हैं, उनको वो सहन नहीं कर सके। वो ही आत्माएं यज्ञ की आदि वाली आत्माएं जब ब्रह्मा शरीर छोड़ देता है तब फिर वो आती है यज्ञ के अंदर आकर के, जो ज्ञान ब्रह्मा के मुख से बाबा ने सुनाया वो उस ज्ञान की तह को पकड़ लेती है, क्योंकि शिव का उनमें प्रवेश होता है। शिव अपने शिव आएगा तो अपने सूर्यवंशी बच्चों में प्रवेश करेगा या चंद्रवंशियों में, अब इस्लाम वंशियों बौद्ध वंशियों में प्रवेश करेगा, सूर्यवंशी बच्चों में प्रवेश करता है। तो जिन बच्चों में प्रवेश करता है उनमें ताकत जास्ती आ जाती है, उनको कहा जाता है रुद्रमाला की मणके, रौद्र रूप धारण करने वाले, विकराल रूप धारण करने वाले। जब विकराल रूप धारण करते हैं तो यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। अब ये यज्ञ चल रहा है ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन भी उन आत्माओं ने यज्ञ की आज में डाला था। अब उनमें ये भी ताकत है कि वो सारे ज्ञान यज्ञ का विध्वंस भी कर देंगे। कब करेंगी? जब संगठन तैयार हो जाए। कौन सा संगठन? जो असल सूर्यवंशी है अष्टदेव, उनका संगठन इतना मजबूत बन जाए, पावरफुल बन जाए, उसके बाद फिर तो पावर भरने की बात है। उसका मूल कारण है ज्ञान को धारण करना गहराई से। ज्ञान को धारण कब करेंगे? जब अम्मा बाप की भाषा सीखेंगे। मातृभाषा, तो मातृभाषा होगी तो डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ेंगे, और मातृभाषा नहीं मालूम होगी तो बीच वाले गुरुओं से जैसे बताएं, जैसे समझा देवे वैसे लेना पड़ेगा। तो आत्मा फिर कमजोर बन सकती है, इसलिए क्या करना है? हिंदी, हिंदी जरूर, बहुत सहज है हिंदी, हिंदी से ज्यादा सहज दुनिया की कोई भाषा नहीं, क्योंकि शिव बाबा आता है सहज ते सहज, क्या कठिन को सहज करने वाला है कौन? शिव बाबा। तो हिंदी भाषा में ही पढ़ाता है, ताकि अगर कोई हिम्मत करे, बूढ़िया भी हिम्मत करे तो वो भी हिंदी सीख सकती है। ओम शांति।